गाइज, अगर आपको स्प्लैश स्क्रीन बनाने का मन है और चाहते हो कि अपने ऐप के लिए स्प्लैश स्क्रीन बनाएं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो स्पेशल वीडियो है, ये ट्यूटोरियल है, एक कैलेंडर ऐप बनाने का ट्यूटोरियल है, लेकिन इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आप किसी भी ऐप के लिए स्प्लैश स्क्रीन को क्रिएट कर सकते हो, अगर आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करते हो। तो इसमें आपको कॉपी एंड पेस्ट का फैसिलिटी मिलेगा, आपको कोड को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर हो और आप चाहते हो कि अपने दम पर ही स्प्लैश स्क्रीन को क्रिएट करें, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। गाइज, मैंडल फोन आप देख रहे हैं क्लिक टू कोड यूट्यूब चैनल। चलिए, आज की जो वीडियो है कैलेंडर ऐप में स्प्लैश स्क्रीन को क्रिएट करने के लिए जो होता है प्रोसेस और कोड कहाँ से मिलता है, इस सारे चीज़ का ट्यूटोरियल इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन करेंगे। तो देखिए, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट में हमने स्टार्टिंग में क्या किया था कि सिंपली हमने एक एक्टिविटी क्रिएट किया था, और उसमें हमने कलर्स को मैनेज किया था, और उसका जो एक्शन बार था, हमने जो पार्ट टू में था ट्यूटोरियल, उसमें जो था एक्शन बार और स्ट्रिंग में था, और ये थीम का जो था एक्शन बार, हमने एक्शन बार से नो एक्शन बार किया था। ये सारे सिस्टम जो हमने पार्ट टू ए ट्यूटोरियल में आपको मैं दिखा चुका हूँ। अगर आप देखे नहीं तो आप हमारी सीरीज़ के पार्ट 2 एंड पार्ट 2 ए जरूर विजिट करें, तो ही आपको बढ़िया समझ में आएगा इस चीज़ के बारे में। अब देखते हैं हम लोग कि जब हम इस तरह का हमने एक्टिविटी बना ली है, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए, तो हमने इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हमको स्प्लैश स्क्रीन, कोई भी ऐप जब लॉन्च करता है सबसे पहले उसको चाहिए स्प्लैश स्क्रीन, लोगो विथ नाम जो भी आप रख सकते हो, लेकिन इसमें क्या क्या होने वाला है आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करूँगा कि जहाँ से ये कोड मिलेगा उस वेबसाइट को पहले ओपन करना है। तो हमने क्लिक किया गूगल को, और जो हमारा अकाउंट है मैं वहाँ से क्लिक करता हूँ। और देखिए, जैसे ही आपका गूगल खुलेगा, क्रोम खुलेगा, तो यहाँ आपको टाइप करना है क्लिक टू कोड डॉट कॉम। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसी का वेबसाइट है क्लिक टू कोड डॉट कॉम, आपको देखिए ऊपर में दिख रहा होगा, उसको टाइप करके एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी क्लिक टू कोड का, यहाँ देखिए इस तरह खुलेगी, और यहाँ आपको नीचे में जब स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ लिखा होगा कैलेंडर ऐप, जिस जो इस वीडियो का थीम था सेम टू सेम वही थीम आपको वेबसाइट में मिलने वाले। और इसमें एक खासियत क्या, इस वेबसाइट में खासियत क्या है कि आपको अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और चाहते हो कि हिंदी में जानना कि क्या इसमें लिखा हुआ है, तो आपको देखिए यहाँ हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का लैंग्वेज यहाँ यूज किया गया है, ताकि जो भी यूजर्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो हिंदी में सोचते हैं, और जिसको हिंदी नहीं आती है वो इंग्लिश को प्रीफर करके इसको यूज कर सके और इसमें पढ़ सके कि क्या क्या और मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है। पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 यहाँ हमने इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है, जहाँ हमने हटाया था एक्शन बार को और कलर चेंज किया था, यहाँ पार्ट 2 दिया गया। आप क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं हम लोग अपना प्रोजेक्ट में। तो यहाँ देखिए, नॉर्मली जब भी हम कोई एक्टिविटी को ओपन करते हैं तो यहाँ इस तरह का सिंपल लेआउट टेक्स्ट व्यू के नाम से आता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग रिमूव करेंगे यहाँ से, और यहाँ कुछ हमको ऐड करना है इसमें, ताकि हमारा जो स्प्लैश स्क्रीन रहे मोबाइल के स्क्रीन के अनुसार फिट हो जाए। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ देखिए वेबसाइट में दिया रहेगा, देखिए वेबसाइट में ये भी दिया हुआ है कि कलर कोड क्या हमने लगाया इस प्रोडक्ट के लिए, और यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है, यहाँ आपको ये जो कोड है यहाँ से आपको कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है। तो देखिए डायरेक्टली जब भी जैसे हमने कॉपी पेस्ट किया, तो जो आपने कलर कोड लगाया था उस सारा कलर कोड को ऑप्टिमाइज करके यहाँ आपको एक नया लेआउट शो करवा दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब नीचे आते हैं, तो अगर आपको हमारा लोगो चाहिए जो अभी मैं इसमें यूज कर रहा हूँ वो लोगो चाहिए, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये इमेज भी हो इसको डायरेक्टली कॉपी करना है, सिर्फ आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है, सिर्फ आपको ये बात ध्यान दें, कॉपी करना है और इसके नीचे यहाँ पेस्ट कर दें। यहाँ देखिए जैसे हमने पेस्ट किया, यहाँ आइकन मांग रहा है, और आइकन मांग रहा है मतलब आपको इस ऐप का जो आइकन है वो कंपलसरी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उस आइकन को हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो ये यहाँ रखा लोगो डाउनलोड, तो यहाँ क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारा लोगो रहा। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ डायरेक्टली सेव करते हैं, बिना कोई सिस्टम को लोगो में डायरेक्ट इसका नाम रख देता हूँ, सेव पर क्लिक करता हूँ।
जब भी आप किसी भी लोगो या किसी भी फोटो को यूज़ करते हो और डाउनलोड करते हो या सेव करते हो तो सीधा वो डाउनलोड फाइल में जाता है, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। तो चलते हैं अपना फाइल डाउनलोड में, और ये रहा यहाँ कॉपी, आते हैं प्रोजेक्ट में और यहाँ क्लिक करके इस ड्रॉबल के अंदर में यहाँ Ctrl+V पेस्ट ओके। यहाँ आपको अगर नाम बदलना है तो देखिए यहाँ मेरा नाम है आइकन, यहाँ लोगो में चेंज किया तो इसका नाम रखूँगा आइकन ताकि नाम एडिटिंग ले ले। देखिए जैसे यहाँ हम नाम लिया, यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ एरर जो हट गया, एरर हटने के बाद यहाँ कोई तरह का अभी सिस्टम नहीं आया है। तो क्या करते हैं, अगर आपको देखना है तो सीधा यहाँ क्लिक करना है और फोर्स रिफ्रेश लेआउट पर क्लिक कर देना है ताकि जो हमने यहाँ अपडेट किया है उस चीज़ को यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ शो कर दे। देखिए यहाँ शो कर दिया, इस कैलेंडर ऐप का जो लोगो था हमने यहाँ शो कर दिया। अब चलते हैं वेबसाइट पर और इसको बैक करते हैं, हमने यहाँ से कॉपी किया था तो इस चीज़ को हम ध्यान देंगे। अब नीचे आते हैं और नीचे में देखिए यहाँ इस चीज़ को कॉपी करने से पहले यहाँ एक स्ट्रिंग में आपको एक कोड ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ से कॉपी करते हैं और आते हैं प्रोजेक्ट के अंदर में और आते हैं वैल्यूज़ के कलर के थीम के स्ट्रिंग के अंदर में, और यहाँ हमने जो भी कोड कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली आते हैं मेन एक्टिविटी लेआउट पर, इसको बड़ा करते हैं स्क्रीन को। अब इस वेबसाइट में नीचे दिया हुआ टेक्स्ट व्यू, इस चीज़ को आपको कॉपी करना है और सीधा इस प्रोजेक्ट में इमेज व्यू के नीचे हमने इसे पेस्ट कर दिया। तो देखिए ऑटोमेटिक जो इस ऐप का वर्जन है यहाँ से आ गया। अगर आपको वर्जन चेंज करना है तो आप जहाँ हमने स्ट्रिंग में वर्जन सेट किया है यहाँ आप वर्जन करने हैं इसको आप बदल सकते हो एडिटिंग आपके अनुसार, आपको जो रखना है आप यहाँ वर्जन आपको अपडेट करना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो हमको यहाँ देखिए एक क्या होता है लॉटी फाइल, मतलब कि हम लोग यहाँ जेसन का यूज़ किए हैं प्रोग्रेस बार को, तो उस फाइल को अगर उस प्रोग्रेस बार को आपको चाहिए तो यहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा पहले और डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए डाउनलोड लिस्ट में चला गया, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद ये जो दिया हुआ है यहाँ डिपेंडेंसी लॉटी का हम कॉपी करेंगे, इसको आएंगे वापस अपने प्रोजेक्ट में और जाएंगे यहाँ क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट बिल्ड ग्रेडल, और इसके नीचे यहाँ देखिए इम्प्लीमेंटेशन के नीचे हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। अगर आपको याद रखना है कि ये डिपेंडेंसी किस किस चीज़ के लिए, तो यहाँ आपको फिर कमेंट कर देना है लॉटी फाइल डिपेंडेंसी, ताकि आपको हमेशा ये कौन सा डिपेंडेंसी है आपको हमेशा याद रहे, इसलिए मैं इसको इस तरह किया। और आपको सिंक नाउ पर क्लिक कर देना ताकि ये जो हमारे जो हमने भी डिपेंडेंसी में ऐड किया है वो ऑटोमेटिक सिंक कर जाए पूरा प्रोजेक्ट में, इसका जो डाटा है फैल जाए ताकि कोई भी हम लोग इसकी रिलेटेड कोई भी तरह के रखें डालें कोड तो ऑटोमेटिक कैच करके ये सिस्टम पार कर दे। देखिए जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो देखिए अगर आपको मटेरियल का आया हुआ है अपडेट तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस मटेरियल को अपडेट ज़रूर करें, बिना अपडेट अगर क्योंकि क्योंकि समय के अनुसार और अपडेट के अनुसार बार बार जो आईडी है एडोब स्टूडियो वो अपने हिसाब से टाइम टू टाइम बदलता रहता है, तो यहाँ इसको चेंज कर देंगे। और अभी हमने यहाँ सिंक सेट किया था तो सिंक जब तक क्लियर नहीं होता है दूसरा तब तक पहला तब तक दूसरा वर्क नहीं करेगा, तो हम लोग वेट करेंगे जब तक हमारा पहला जो सिंक है ये क्लियर हो जाए। और सिंक क्लियर क्या होता है, सिंक क्लियर करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि कभी भी आप कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाते हो तो इंटरनेट कंपलसरी है, इंटरनेट के बिना कोई भी तरह का आप प्रोजेक्ट करते हो क्रिएट तो आपको एरर शो करेगा। तो मैं यही आपको बोलूँगा हमेशा कि जब भी आप अपने लैपटॉप में कोई भी नया तरह का बनाते हो प्रोजेक्ट तो सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन या फिर मॉडिफाइड करते हो तो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन आप कुछ भी तरह का मॉडिफिकेशन ना करें, आपका ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये एज इट इज सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो बिना इंटरनेट का एक किसी दूसरे फाइल को ये फाइंड नहीं कर पाता है। यहाँ देखिए हमारा लोटी का जो फाइल यहाँ हो गया अपडेट तो यहाँ आ गया। अभी हमने जो मटेरियल किया था अपडेट वहाँ इसको फिर से करेंगे हम लोग सिंक नाउ के लिए। एक बार में दो दो सिंक काम नहीं करता है, इस बात को याद रखना है। अगर आप एक डेवलपर हैं एक बिगिनर है, अगर आपको सीखना है क्लियरली तो आपको इस चीज़ को आपको मायने देना पड़ेगा, तभी आप आईडी के बारे में एक अच्छा खासा आप एंड्रॉयड बना के आप एक डेवलपर बन के दूसरे को क्लाइंट को आप ऐप दे सकते हो। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ सिंक दोबारा कर दिया हूँ
और ये शायद हमारा ये सिंक लास्ट होने वाला है। देखिए तीन चार तरह का यहाँ अपडेट ले रहा है, डाउनलोड कर रहा है ऑटोमेटिक इस लाइब्रेरी के अनुसार से, क्योंकि पहले 1.6.0 था, 1. अब 9.0 आ गया, तो बहुत सारे इसमें बदलाव किया गया है और ये हमारा कम्प्लीट हो गया। अब इसको बिल्ड ग्रेडर को कट कर दें। अब जो हमने डाउनलोड किया था, वहाँ चलते हैं डाउनलोड फाइल में। यहाँ देखिए है प्रोग्रेस बार, इसको राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट टू प्रोग्रेस बार, डबल क्लिक, ओपन करेंगे और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ क्लिक करते हैं और देखिए हमारे पास यहाँ दो फैसिलिटी है, एक आप रॉ के द्वारा बना सकते हैं और एक यहाँ एसेट क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें मैंने शायद रॉ का यूज़ किया है, एक बार मैं कोड देख लेता हूँ ताकि वही उस तरह हम उसको यूज़ करेंगे। और नीचे कोड, इस कोड में क्या दिया हुआ है, यहाँ रॉ, यहाँ हमने देखिए इस प्रोजेक्ट में हमने रॉ को यूज़ किया है, तो हम लोग रॉ को ही फाइल को क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली रॉ करने के लिए, डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, यहाँ रेस पर राइट क्लिक, उसके बाद फोल्डर में आया और यहाँ रॉ लिखा हुआ है, इस रॉ को क्लिक किया, डायरेक्ट फिनिश कर दिया। तो ये जो रॉ है अभी हमने क्रिएट किया, ये रॉ देखिए डायरेक्टली इसके अंदर में जो रिसोर्स फाइल है उसके नीचे ड्रॉवल है, उसके नीचे लेआउट है, उसके नीचे मिप मैप है, उसके नीचे रॉ, पहले रॉ नहीं था, अब यहाँ रॉ आ गया। अब इस पर आपको जो भी कॉपी किया आपने उसको कंट्रोल प्लस वी से इसको पेस्ट करके ओके क्लिक कर देना, ताकि ये जो फाइल है इस रॉ फाइल के अंदर में यहाँ देखिए पहुँच गया। अब यहाँ पहुँचने के बाद ही इसको कट कर लेंगे और चलेंगे वापस अपना वेबसाइट पर और इस रॉ को जो हमने जिसके लिए हमने इतना मेहनत किया उसको यहाँ से कॉपी करेंगे और सीधा यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ जो है हमारा यहाँ प्रोग्रेस बार यहाँ वर्क करने लगा, देखिए एक थोड़ा सा बिंदु करके दिख रहा है आपको। उसके बाद पीछे आएंगे और यहाँ एक नीचे आपको एज ए डेवलपर, आप कौन से डेवलपर हैं, यहाँ आपको अगर स्पेस स्क्रीन में दिखाना है यूजर्स को कि मैं डेवलपर हूँ या फिर मेरा ये नाम है, उसके लिए क्या किया हमने यहाँ एक स्ट्रिंग बनाया हूँ, इस स्ट्रिंग को हमने स्ट्रिंग में ही कॉपी करके पेस्ट करूँगा। तो आता हूँ थोड़ा स्ट्रिंग में और इसके नीचे हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया वापस मेन एक्टिविटी में, वापस वेबसाइट पर और यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। जो कॉपी किया हमने इसको नीचे यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक यहाँ आपको एक नाम दिख जाएगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो, अगर आप सेम इस ट्यूटोरियल का सेम चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको एज इट इज हूबहू मालूम चलेगा कि क्या मैं बना रहा हूँ और क्या मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें यहाँ तो देखिए हमने यहाँ क्रिएट कर दिया है, आप सब मिला के हमने एक्सएमएल कोड का जो था कम्प्लीटली इंटर कर दिया। अब थोड़ा सा जावा फोल्डर है, तो जावा फोल्डर के लिए हमको क्या चाहिए, इस स्प्लैश स्क्रीन को एनिमेशन में क्रिएट करने के लिए हम लोग एक बनाएंगे एनिमेशन फोल्डर, तो उसका नाम क्या रखेंगे, एनिम, ठीक है। एक एनिम फोल्डर है जिसका नाम Anim01, देखिए यहाँ आपको अगर हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो आप दुनिया दिया हुआ है, यहाँ एनिम फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसका नाम रहेगा Anim1। तब सबसे पहले चलते हैं अपना, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एनिम फोल्डर क्रिएट करना है, तो यहाँ कैसे, तो क्रिएट, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और देखिए यहाँ दिया हुआ है एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, क्लिक करेंगे, यहाँ वैल्यूज दिया हुआ रिसोर्स टैब, यहाँ वैल्यू क्लिक करेंगे और देखिए ऊपर में जब स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है एनिम, क्लिक करके डायरेक्टली आपको ओके क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए एक एनिम फोल्डर आपको एनिमेशन का फोल्डर यहाँ क्रिएट, अब यहाँ राइट क्लिक करेंगे, न्यू और एनिमेशन रिसोर्स फाइल को क्लिक करेंगे और वहाँ नाम था Anim01, तो एज इट इज सेम टू सेम लेंगे हम लोग, ताकि देखिए Anim01 का यहाँ एक एक्सएमएल लेआउट यहाँ खुल गया। आप चलते हैं वेबसाइट पर और इस वेबसाइट में Anim01 को यहाँ से कॉपी करेंगे इस कोड को और इसको डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट ऑल प्लस भी, मतलब कि उसको रिमूव किया और इसको पेस्ट किया, ये हमारा काम यहाँ कंप्लीट, इसको एनिम को कट करते हैं। अब हमारा जो सारा जो था, अब जितना हमने अभी किया था क्रिएट, वो सारा एक्सएमएल लेआउट के लिए था, लेकिन अब आ गए यहाँ से हम लोग जावा लेआउट के लिए।
तो जावा लेआउट के लिए करने के लिए पहले आपको एक नया एक्टिविटी क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हम स्प्लैश स्क्रीन से एक मेन एक्टिविटी में दूसरे एक्टिविटी में मूव कर सकें। इसके लिए चलते हैं हम अपना प्रोजेक्ट पर। और यहाँ क्या देखिए, हमने सिर्फ क्रिएट किया था, यहाँ सिर्फ नीचे में अगर जावा में क्लिक करता हूँ डॉट कॉम में, तो यहाँ देखिए सिर्फ डॉट कॉम दिख रहा है। तो इसको सेट करने के लिए डायरेक्टली यहाँ से कॉम्पैक्ट मिडिल प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ डायरेक्टली सब हट जाएगा। यहाँ देखिए सिर्फ दिख रहा है यहाँ मेन एक्टिविटी, मतलब यहाँ एक ही एक्टिविटी। तो यहाँ हमने क्या करेंगे, एक नया एक्टिविटी जिसको बोलते हैं होम एक्टिविटी, उसको राइटली यहाँ से बना लेंगे। तो एक्टिविटी और यहाँ लेंगे हम लोग एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, थोड़ा नाम मॉडिफाइड किया गया है आईडी की तरफ से इस न्यू वर्जन में। तो यहाँ नाम लिखेंगे होम एक्टिविटी और फिनिश पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वापस चल जाएगा सिंक मोड में, और ग्रेडर मोड में जैसे जाएगा वहाँ उसको फिर से कंपलसरी है इंटरनेट। जब भी आप एक बिगिनर हो या डेवलपर हो, मैं आपको बार बार यही बोलूँगा, इंटरनेट कनेक्ट करके ही प्रोजेक्ट बनाइएगा। अदरवाइज आपका ये जो वीडियो देख रहे हो वो आपका वीडियो कोई काम का नहीं रहेगा अगर आप इंटरनेट कनेक्शन अगर नहीं बनाइएगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप इंटरनेट कनेक्शन ज़रूर ऑन किए हो गए तो ही आप देख रहे हो। तो यहाँ डायरेक्टली क्लिक करता हूँ सीधा, हमने तो एक नया फोल्डर बना लिया। अब क्या करते हैं, अभी इस नए फोल्डर का मुझे ज़रूरत नहीं है, तो सबसे पहले इसको यहाँ से एक्सएमएल को कट करते हैं और होम जावा को भी कट करते हैं। अभी ज़रूरत हमको है पुराना प्रोजेक्ट को, पुराना एक्टिविटी को। तो ये देखिए जो था हमारा स्प्लैश स्क्रीन को, उसका तो वर्क हो गया, इसको हमें कोई मतलब नहीं है, इसको कट करते हैं। अब स्ट्रिंग का भी कोई काम नहीं है, और सीधे आते हैं मेन एक्टिविटी जावा पर जहाँ इसका जावा वर्क करेगा। तो जावा में क्या है, हमने क्या किया था कि यहाँ देखिए तीन चीज़ दिया गया, तीन वेरिएबल। पहला क्या है इमेज व्यू जो हमने बनाया था लोगो, दूसरा क्या है टेक्स्ट व्यू जो बनाया था हमने वर्जन, और तीसरा लोटी एनिमेशन जो हमने एक बनाया था प्रोग्रेस बार। वो तीनों का यहाँ इसका जो वेरिएबल है वो हम लोग पहले इसको इंपुट करेंगे। वेरिएबल इंपुट करने के लिए आपको मेन एक्टिविटी एक्सटेंड ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर और ऑन क्रिएट मेथड के ऊपर आपको ये इसको पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट करने के बाद देखिए इस तरह का एरर, तो सबसे पहले क्या करना है आपको अल्ट एंटर, दोबारा अल्ट एंटर, थर्ड टाइम्स अल्ट एंटर, तीनों बार हमने किया तो इसका जो था इंपोर्ट फाइल सो यहाँ हो गया। अब चलते हैं वेबसाइट पर। अब ये जो है ये नीचे हम उठाएंगे सीधा आराम से इसको मिडिल का कोड, और ऑन क्रिएट मेथड के नीचे अंदर में इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ भी कोई तरह का आता है एरर रेड कलर का, तो इसको डायरेक्टली आप इसी तरह इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। लास्ट बचता है एनिमेशन जो हमने बनाया था, जो हमने एनिमेशन का कोड बनाया था उसका यहाँ कॉपी करेंगे और इसी के नीचे हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसमें भी आएगा इस तरह का, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे और यहाँ अल्ट एंटर करेंगे और यहाँ भी अल्ट एंटर करेंगे। अब देखिए हमारे जो इस वीडियो में जो बताने वाला था मैं कि स्प्लैश स्क्रीन के बारे में, वो कम्प्लीटली मेरे के अनुसार से ये बन चुका है। एक बार दोबारा रिव्यू कर लेता हूँ। हमने देखिए एक्सएमएल लेआउट में हमने इस वीडियो में क्या किया था, टोटली इसको डिज़ाइन किया हूँ। एक आइकन, एक वर्जन का नाम, एक यहाँ दिया हुआ है प्रोग्रेस बार, और एक यहाँ दिया हुआ है डेवलपर का नाम जो इस ऐप को बनाया है उसका, और इसी का हमने कनेक्ट करके रखा है इसमें। तो अब क्या करेंगे, हमारा ये प्रोजेक्ट है ये आ गया वर्क करने के कगार पर। तो अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करवाएंगे अपने अनुसार और अपने मोबाइल में देखेंगे कि क्या रियली में ये प्रोजेक्ट वर्क रन कर रहा है या फिर कोई तरह का एरर क्रैश कर रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो मोबाइल है उसको कनेक्शन कर दे देंगे, तो उसमें सबसे पहले हमको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, आपको दिखा दे रहा हूँ क्या यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ रेडी फॉर असिस्टेंस, जो स्पेशली मैं मोटरोला मोबाइल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ये रहा हमारा मोटरोला मोबाइल, और हम वायरलेस यूज़ कर रहे हैं। तो वायरलेस यूज़ करने का एक ही तरीका है कि आपको सेम वाईफाई से रन कनेक्ट, तो ये वर्क हो करेगा। तो देखिए यहाँ हमारा मोबाइल जो है आप कनेक्ट होने वाला, एक्सेप्ट कर दिया मैं इसको। अभी हम मुझे नहीं करना है कैंसिल, डाउनलोड डाउनलोड नहीं करना है हमको, डायरेक्टली इसको देखिए हमारा जो मोबाइल है यहाँ आपके सामने शो कर दिया। अब इस मोबाइल की खासियत क्या है कि हम
अपने माउस से भी इसको अपलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल को भी जब करेंगे कुछ भी तो यहाँ इस तरह हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ अपना जो प्लेट है इसको ओपन करते हैं और यहाँ देखिए हमारा जब हमारे पास जो रहेगा मोबाइल यहाँ ऊपर में शो कर देगा, शो नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं वायरलेस डिवाइस के अनुसार ही इसको वर्क करवाएंगे हम। तो अभी मेरे पास यूएसबी कनेक्टेड है तो मैं डायरेक्टली यूएसबी को इनपुट करेंगे और देखिए मोटोरोला H20 फ्यूजन आ गया। अब इसको रन पर क्लिक करेंगे और हमारा जो मोबाइल है ये हमारे पास यहाँ दिख रहा है, मोबाइल का जो मिरर स्क्रीन जो प्योर एचडी में रहता है, अगर आप इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हो इसको यूज़ कर सकते हो, प्योर एचडी में है रहता है इस स्क्रीन को और आप इसको यूज कर सकते हो आराम से। तो देखिए यहाँ हमने क्लियर, यहाँ मैं वेट कर रहा हूँ और जब तक हमारा जो प्रोजेक्ट ये रन नहीं करेगा तब तक हम लोग को वेट ही करना पड़ेगा कि क्या इस प्रोजेक्ट को जो हमने बनाया था वो एक्चुअली में रियली में वर्क कर रहा है। जो हमने कोड आपको दिया हूँ वो मुझे भी देखिए कभी कभी जो कोड लिखता है उसको भी कभी रहता है कन्फ्यूजन कि क्या रियली में इसका कोड वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको वीडियो देने पहले मैं खुद एक बार टेस्ट करता हूँ उसके बाद ही आपको वीडियो देता हूँ। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए कि मैं प्रॉपर आपको कोड देता हूँ और ये हमारा जो वेबसाइट है क्लिक टू कोड स्पेशली आपको फ्री में कोड प्रोवाइड करती है। अगर आपको कोई तरह का सोर्स कोड चाहिए तो आप बाय एंड्रॉयड ऐप डॉट कॉम जो वेबसाइट है वहाँ आके आप विजिट कर सकते हो और वहाँ से आप कोई भी तरह का नॉर्मल रेट पर नॉर्मल प्राइस पर आप कोड को बाय कर सकते हो। जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट को फर्स्ट टाइम रन करोगे तो वो टाइम लेता है। और ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल होने लगा है अपने मोबाइल में और ये हमारा क्रैश कर गया। अब क्रैश करने का कारण क्या है इस चीज़ को हम लोग पता करेंगे, उसके बाद ही इस जो प्रोजेक्ट है हमारा वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो पाएगा। देखिए हमने कहाँ गलती किया जो हमारा प्रोजेक्ट क्रैश किया, हमने वेबसाइट में जो हमने आपको बताया था वो थोड़ा हमसे ही मिस्टेक हुआ है। ये जो इमेज व्यू है यहाँ मैं क्लियरली मेंशन किया हूँ कि आपको ऑन क्रिएट मेथड के अंदर में पेस्ट करना है, हमने ऑन क्रिएट मेथड के बाहर पेस्ट कर दिया इस इमेज व्यू को इस वेरिएबल्स को। तो क्या करते हैं सबसे पहले इसको डायरेक्टली यहाँ से कट करते हैं और बैक स्पेस और इसके नीचे ऑन क्रिएट के अंदर में ही हमको इसको पेस्ट करना है ताकि हम देखिए हम लोग फाइंड व्यू आईडी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ इसको सब फाइंड कर रहा हूँ तो हमारा नीचे का कवर करेगा। ये थोड़ा हमसे ही मिस्टेक हुआ था आपको बताने में, इतना हो गया। अब दोबारा हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। अब कहीं तरह का क्रैश सिस्टम नहीं होना चाहिए, फिर भी आपको मैं दिखा के ही दम लूँगा। तो ये देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ लॉन्च हो गया हमारा ऐप और ये कुछ टाइम चलेगा फिर चल जाएगा यहाँ होम स्क्रीन पर। ये वाइट दिख रहा है ये होम स्क्रीन है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताने के लिए इस होम स्क्रीन में हमने क्या करेंगे कुछ नाम लिख देंगे ताकि आपको लगे कि नहीं ये डायरेक्टली होम स्क्रीन पर ही जाता है। इसके लिए क्या करते हैं देखिए डायरेक्टली यहाँ मैं एक लेता हूँ टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू लिया, इसका रैप कंटेंट रखूँगा इसको मैं और इसको डायरेक्टली यहाँ से क्लोज करूँगा। इसका डायरेक्टली मैं टेक्स्ट लिख दूँगा, लिख दूँगा और यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा मैं होम स्क्रीन। इसका टेक्स्ट का जो साइज है इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ 32 SP करता हूँ और टेक्स्ट का जो कलर है आपको बेहतर दिखाने के लिए पर्पल इतना यूज किया। फिर इसको मैं सेट कर देता हूँ सेंटर पर देखिए मैं यहाँ जो कर रहा हूँ यहाँ बगल में आपको कोड यहाँ चल रहा होगा इस तरह कोड बना के यहाँ होम स्क्रीन में सेट कर दिया। अब दोबारा क्या करता हूँ अपना जो प्रोजेक्ट को है रन करता हूँ देखता हूँ कि इसी स्क्रीन पे पहुँचता है या नहीं। तो ये रहा हमारा ऐप जो खुला हुआ ऑटोमेटिक ये क्लोज होगा ऑटोमेटिक ये ओपन होगा, अभी कुछ नहीं करना है और पहले इसको इसको डायरेक्टली इसको डायरेक्ट रन करना देते हैं मोबाइल में और देखते हैं क्या वर्क कर रहा है या नहीं। देखिए ऑटोमेटिक कट हुआ, ऑटोमेटिक ये लॉन्च भी करेगा, ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन रहा और इसके बाद यहाँ होम स्क्रीन। तो हमने इस वीडियो में हमने सीख लिया कैसे हम स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करते हैं विथ जावा कोड और कॉपी पेस्ट करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, अगर आपको इस तरह का इसका इस कैलेंडर ऐप का सोर्स कोड चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर विजिट करके आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करके आप वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इस सीरीज के पार्ट 4th में और वहाँ सीखने वाले हैं थोड़ा होम स्क्रीन को डिज़ाइन करने के बारे में। तो
जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।